हेलो हेलो और यार चुप करो, मेरी आवाज बिल्कुल नहीं आती, आप इतना ऊंची बोलते हो। हाँ हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? पापा हम आपके बच्चे हैं, फ्रेंड्स थोड़ी ना। तो यार मैं आपको नहीं बोल रहा, मैं सबको बोल रहा हूँ, वो मेरे प्यारे प्यारे जो फैन मुझे देख रहे हैं। अच्छा ये देखो एक छोटा सा प्यारा सा फैन पीछे बैठा है। तू मेरा फैन है कि या मैं तेरा फैन हूँ? दोस्तों आज मैं अपने पुराने घर जा रहा हूँ, जो मेरा पुराना पहला घर है, पुराने बच्चों के साथ, पुरानी वाइफ के साथ। और ये देखिए, ये टीटू भी हमारा बड़ा पुराना है, हमारे साथ शुरू से है, और ये बड़ा कंजूस आदमी है। देखो टी शर्ट से कपड़ा बचा था और उसका ये मास्क बना लिया। मुड़ मुड़ याद सतावे पिंड दिया गलिया दी, पक्की ले लो दर्जन केले फलिया दी। और जो हमारा पहला घर है वो आज हम आपको दिखा रहे हैं, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि हमें भी बहुत अच्छा लगा, हम भी बहुत देर बाद जा रहे हैं। वो है मेरा घर, क्या आगे चलो वहां पे मेरा नाम भी लिखा होगा। ये देखिए सुदेश लहरी घिसा पिटा। ये घर मैंने शुरू से लिया था, मुझे पता है मैंने जितनी मेहनत की है, और मेहनत करने वाले इंसान मुझे सारे अच्छे। अलग एक और मेहनती बंदा आ गया, ये देखो कैसे हैं आप? आपको पता है कि मैंने कुल्फियां भी बेची हुई हैं। मैं अंब बेचता था, अंब दशहरी खान गए शहरी, अंब लंगड़ा पाएगा पंगड़ा, ए कुल्फी खोए दी रेडी लोए दी, कुल्फी खोए दी रेडी लोए दी। कौन सी कुल्फी खाएंगे? मुझे चोकोबार। वाह मुझे पता नहीं कौन सी, अपने आप उठाओ। ये लग रही मुझे, ले लो लो। संतरे वाली। आप कौन सी कुल्फी खाएंगे? संतरे वाली खानी। संतरे वाली कुल्फी खाएंगे, संतरे वाली शक्ल बैंगन वाली है। और बताइए। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कौन सी ली है, बाद में मुझे कहेंगे तेरी शक्ल चॉकलेट जैसी है। नहीं हो रहा भाई। हाँ जी ए कुल्फी खोए दी, कुल्फी खोए दी, आजो आजो खा लो। एक कोई बात नहीं, जो नए ग्राहक होते हैं ना हमारे फ्री खिलाते हैं। थैंक यू वेरी मच। ऐसे थोड़ी होता है, कोई पैसे दे के जाओ, लॉकडाउन चल रहा है, कमाई हो नहीं रही और आप ऐसे कर रहे हो, तो आप तो फ्री में बोल रहे हो। आज मैं बड़ी देर बाद अपनी गली में आया हूँ और ये सारे अपने, मतलब ऐसे लग रहा है पुराने अपने रिश्तेदार मिल रहे हैं, बहुत प्यार है अपना। और बोलो चाय ठंडा क्या पिलाओगे? जो आप बोलोगे। और पाजी ठीक है? सब ठीक सर। चलो थैंक यू, बाय बाय। कुल्फी वाले की बड़ी बनी बनाई है। और कोई खाएगा कुल्फी? हाँ जी भैया, कौन सी कुल्फी खाएंगे? मैंगो वाली, यानी कि पंजाबी में आंब वाली। आंब वाली। ए, ये लीजिए। हाँ जी आप कौन सी खाएंगे? ये तकदीर का। अच्छा ये वाली कंपनी है कोई? मैंगो वाली चाहिए ना। अच्छा ये वाली कुल्फियों की शबील लगी है। तो आप यार टीटू, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला गाड़ी के पास खड़ा होया कर, यार इधर कहाँ आ गया तू यार, कमाल। ओ ये टीटू पाजी नहीं है। अच्छा टीटू किधर है? टीटू पाजी तो यार इधर आ। देखो दाढ़ी का फर्क है थोड़ा सा। ये लीजिए आपकी चॉकलेट, आप क्या खाएंगे? जो मर्जी खवा दो, जो प्यार ना खवा दो। हाँ ये मैं प्यार प्यूर से नहीं खिलाता तेरे को। शुरू से बड़ा प्यार है, कोई आज का नहीं, बहुत देर से यहाँ पे आ रहे हैं। पापा मैं रह गई हूँ। देखो कुल्फी खाने के चक्कर में कुल्फी वाले को पापा बोल रही है। मेरे पापा। क्या मंदिर आ सकते हैं? अपने घर है। लो जी अपने घर है, अपना ही है। देखो आ तो सही अंदर पे आओ। तो दोस्तों ये जो घर है ये अमृतसर मजीठा रोड है, वहाँ का घर है, और मनी साक्षी की शादी भी यहीं पे हुई थी। ये देखो ऐसे लगता बिल्लो को मूछें आ गई हैं। भाई है ना इसका। और ये है इनकी बेटी और ये है इनका बेटा। इसको तो पहले भी आप मनी के व्लॉग में मिल चुके हो, मनी ने बताया था नाम पे बब्बर लगता है, शक्ल चूचे जैसे क्या। और किसी ने सच ही कहा है कि पहली बीवी और अब पहला घर। नहीं सुनो, मतलब ये नहीं कि पहला घर कभी नहीं भूलता। चलो मैं आपको पूरा घर दिखाता हूँ। ये है हमारा प्लॉट, ये हमारा घर है और ये हमारा खाली प्लॉट है। जब ये घर लिया था फिर ये खाली प्लॉट था, ये हमको मिल रहा था बहुत सस्ता, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। फिर जब पैसे आए थोड़ा महंगा हुआ, फिर हमने ले लिया। और यहाँ की हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। और यहाँ पर मनी का मोटरसाइकिल होता था, ब्लैक कलर का यामा
R15 जब लॉन्च हुआ था पापा ने तभी गिफ्ट किया था मुझे बर्थडे पे हाँ। और मैंने मुंबई जब हम गए तो मैंने वही इसको लेके दी थी, सेम बाइक वहाँ पे लेके दी थी, लेकिन हाँ। इसने चलाई नहीं, वहाँ पड़ी रही। हाँ, मेरी शादी यहाँ पे हुई थी अमृतसर में साक्षी के साथ, और फिर मुंबई में मुझे कोई लेके नहीं दिया अपने, मतलब मैं लेके देता हूँ। यहाँ पर हमारी गाड़ी लगती थी फोर्ड फिस्टा, तब हमारे पास वो थी, उसके बाद फिर हमारे पास महिंद्रा XUV। हाँ, तो अब देखो, अब ये लगी हुई है। अपने भाई को थोड़ा समझा। वैसे पापा बता दे, ये हमारी है, उधर से इधर आई हुई। अच्छा, है चलिए, ये हमारी है। इसका भाई जो है चाहे तो बहुत कुछ ले सकता है, लेकिन ही इज वेरी डाउन टू अर्थ। यहाँ तक कि कुर्सी की उसने टांगे भी कटवा दी है कि मैं नीचे रहूं। वेरी डाउन टू अर्थ। एक्चुअली उसको ना घूमने वाली कुर्सी का शौक नहीं है, इसलिए उसने ये रखी है। और इसका जो मामा है बहुत ही समझदार है। मैं पापा, ये कैसी बात कर रहे हो? एक तरफ आप कह रहे हो मामा मतलब इनका भाई, दूसरी तरफ आप कह रहे हो इतना समझदार है। वो तो वो समझदार नहीं हो सकता, समझा इसको। और बिल्लू, तुम्हें याद है कि हम यहाँ पे सोते थे, मंजा है इधर? हाँ, ये पड़ा हुआ। ये देखो, ऐसे मंजे हमारे पास होते थे जब सुबह उठ के ऐसे लेके जाते थे ना। और पंजाब में ना यही मंजे चलते हैं, यानी कि ये बेड चलते हैं, छत पे लोग सोते हैं ऐसे। आ, चल भाई पकड़ो उधर से भाई। और यार ध्यान ना फाड़ जरा। ओ पापा, गोल झटका मारी, फिर इसको झटका दे दिया। और तो अब लग रहा है ना हम पंजाब में बैठे हैं, क्यों सर? मजा आ गया, माहौल बन रहा है। नहीं, अपना पंजाब होवे घर की जज जनाब होवे, ओ मूली नाल गंडा होवे, आ प्लास्टिक दा मंजा होवे, ओ मंजे उत्ते बैठा लहरी बनिया नवाब होवे। एक मिनट पापा, जो आपने गाना बोला मूली नाल गंडा होवे, अगर मूली है तो गंडा क्यों? अपना अपना टेस्ट होता है, कोई मूली खाता है, कोई गंडे खाता है, कोई डंडे खाता है। तो बाकी आजकल तो वाकई सही बात है कि आजकल थोड़ा सा ना मास्क पहन के रखना, नहीं तो पुलिस के डंडे खाने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, तो सच्ची बताऊं, अंदर जाने का दिल नहीं कर रहा, खुली हवा बड़ी देर बाद मिली है, क्या बात है, बहुत अच्छा लग, ऐसे लग रहा है पुराने माहौल में हम आ गए। मम्मा, वैसे आपको मुंबई ज्यादा अच्छा लगता है या पंजाब? पंजाब ज्यादा, बॉम्बे थोड़ा कम। मतलब आपको क्या डिफरेंस नहीं आता कि बॉम्बे में ये चीज मिलती है और पंजाब में ये चीज ज्यादा मिलती है? बस खाना पीना मिलता है खुला। मम्मी, आपका कहने का मतलब रिश्तेदार मिलते हैं? रिश्तेदार मिलते नहीं खाने पीने? आपको क्या लगता है पापा ने खाने पीने की वहाँ पे कमी रखी है? नहीं। फिर आपने क्यों बोला खाना पीना मिलता है? वैसे रिश्तेदारों को मिलते हैं तो खुशी मिलती है। मैं बताऊँ क्यों बोला, जब से आए हैं खा पी तो रहे हैं तब से। इसकी तो डाइट बहुत कम है, अगर इसने सुबह मान लो 5 पराठे खा लिए ना, हाँ। उसके बाद फिर 1 घंटा पता नहीं चलता भाई, यानी कि कहाँ सो गई है। उसके बाद फिर 6-7 समोसे खा के फिर दोपहर का खाना खाती है, फिर इसको लगने लगता है कि नहीं यार आज थोड़ा कम खा लिया, फिर और खाती है। तो दोस्तों, मैं आपको ऊपर भी दिखाता हूँ, हमारा ऊपर भी घर है, और आप लोग इधर जाओ, ये ना सोचना कि ये रेंट पे, इसलिए मैं इनको अंदर भेज रहा हूँ कि अपना ही है। मनी, तू आ जा मेरे साथ। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि पहले नीचे थे, नीचे वाला घर तो दिखाया नहीं, ऊपर वाला घर और नीचे वाला सेम है, जैसे शिखा और साक्षी सेम है ना, इधर भी सेम ही। आप दिखाता हूँ, ये डबल स्टोरी है, तो ये मेरा ऊपर वाला पोर्शन बना हुआ है, मुझे बड़े शौक था ये लकड़ी का ऐसे बनवाने का। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने सोचा था कि वो LED लगाऊंगा, लेकिन फिर पैसे नहीं आए, ऐसे रह गए। और ये किचन बनाई थी बड़े प्यार से, और मुझे आज भी याद है जब मैं आता था ना बाहर से, तो बिल्लू ऐसे खोल खोल के बता दी, ये देखो चीनी भी खत्म हो गई है, ये देखो पत्ती, अरे आज भी खाली है। ये मनी का रूम है, आओ मैं दिखाता हूँ। ये देखिए जी, शौक मनी के, इसने भी लकड़ी की अलमारी, कलर हमारे घर पे यही चलते हैं ज़्यादा, यही पसंद है। इस बेड से मनी की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हमेशा तो बेड से जुड़ा रहता था। तो यहाँ पर उसका कंप्यूटर होता था, यहाँ पे बैठ के वो आराम से फिल्में देखता था। पढ़ाई तो आपको पता ही है कितनी की है। तो ये है मेरा रूम, ये है मेरा रूम, है कि नहीं, पूरा लकड़ महल। लकड़ी का बड़ा शौक होता था, लकड़ी के ज्यादा घर बनते थे। मुझे यहीं पे फोन आया था लाफ्टर चैलेंज से, मुझे आज भी याद है, मोटोरोला फोन था इतना बड़ा, सेकंड हैंड मेरे पास। कॉमेडी सर्कस भी जब मुझे मिला तो इसी घर से मिला था, यहीं से मैं गया था मुंबई में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये घर एक होता है ना कि इंसान जुड़ा होता है। ये देखिए, मैं जब जाता था ना शो करने के लिए, तो होटल में रुकते थे, होटल में वॉशरूम कैसे होते थे, ऐसे होते थे,
ऐसे होते थे, क्योंकि 700 रुपए से ज्यादा हमें कभी होटल नहीं मिला, तो वहां पर ऐसे मिलने थे, तो मैंने ऐसे बना दिया। मुझे क्या पता कि इससे भी अच्छे होते हैं। ये देखो पानी का कितना इंतजाम है, लेकिन आता मैं यहाँ भी नहीं था। तो आइए इससे ऊपर छत पे चलते हैं। वाह, रात हो गई है, मौसम यहाँ पे बहुत अच्छा है पंजाब में। ये देखिए जी, ये देखिए हमारा पंजाब, ये है हमारा अमृतसर। सिफ्ती दा कार। दोस्तों ये है मेरा अमृतसर वाला घर। यहाँ पर बहुत सारी यादें छुपी हैं। जब दिवाली होती थी हम यहाँ पे मोमबत्तियाँ लगाते थे, जब लोहड़ी होती थी तो यहाँ पे गुड्डी भी उड़ाते थे, पतंग उड़ाते थे, बहुत मज़ा आता था। और सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ पे रिश्तेदार आते थे, मैं नीचे आवाज़ देता दो कप चाय भेजना, चाय पी रहे हैं, बहुत मज़ा आता था। एक बात और, जैसे अमिताभ बच्चन साहब मुंबई में अपने यहाँ गैलरी में खड़े होकर ऐसे ऐसे करते हैं ना, ऐसे मैं भी करता था। हाँ जी भाजी पैसे नहीं है, फिर कभी ले लेना, प्लीज़ ले लेना। सब्जी वाले भी तंग करते यार, चलो भागो यहाँ से।